अगर आपको ये 9 संकेत मिलते हैं तो आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। समझ जाइए कि स्वयं भगवान आपके साथ हैं। इसके साथ दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपको सपने में भगवान के दर्शन हुए हैं तो ऐसे में क्या छोटा सा काम है जो भगवान आपसे चाहते हैं और आपको उसे जरूर करना चाहिए। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन सी वो गलती है जो अगर आपके सपने में भगवान आपको दर्शन दे दे तो वो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों कमेंट्स में सच्चे श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिख दे और महादेव के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता है। दोस्तों इस संपूर्ण विश्व में सर्वशक्तिमान ईश्वर ही है और उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात समय समय पर सिद्ध हो चुकी है कि ईश्वर प्रत्यक्ष रूप से भले ही दिखाई ना दे लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वो संसार के कण कण में बसे हुए हैं। ये बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियाँ उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती हैं जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में उनकी सहायता करती है। इतना ही नहीं, ये ऐश्वर्य शक्तियाँ उन्हीं व्यक्तियों को चुनती हैं जो खुद भी सही मार्ग पर चलकर दूसरे लोगों को भी सही मार्गदर्शन कर सकते हैं और उनकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन हमें कैसे पता चल सकता है कि किन व्यक्तियों के साथ ये अलौकिक शक्तियाँ हैं या ईश्वर की कृपा कौन से व्यक्तियों पर है? तो चलिए जान लेते हैं उन संकेतों के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे आध्यात्मिक जानकारी वाले वीडियो आप आगे भी लगातार देख सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पहली बात, जिस व्यक्ति में काम, क्रोध, ईर्ष्या, मोह माया, लोभ, अहंकार जैसी भावनाएं ना हो, ऐसे व्यक्ति को ईश्वर की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा व्यक्ति व्यभिचार नहीं करता, क्रोध नहीं करता या उसे अपने क्रोध पर काबू रखना आता है। ऐसा व्यक्ति अपने मुख से कभी भी गालियां गलौच नहीं करता। आपके मन में ईर्ष्या की भावना ना रखकर अपने आचरण और व्यवहार से दया और प्रेम की भावना से दूसरों के साथ पेश आना चाहिए। ऐसा व्यक्ति संतोषी वृत्ति का होता है, यानी कि उसे किसी भी वस्तु का अत्यधिक लालच नहीं होता है। उसे जितना प्राप्त होता है उसी में वो स्वयं को संतुष्ट मानता है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को सपने में कई बार मंदिर या उसके आसपास का परिसर दिखाई देता है तो शास्त्रों में ऐसे व्यक्ति को भाग्यशाली माना गया है। जिनको अपने सपने में बार बार ईश्वर का साक्षात्कार होता है, जिनके साथ ऐश्वर्य शक्तियाँ जुड़ी होती हैं, केवल उन्हें ही सपने में ईश्वर दिखाई देते हैं। भगवान ऐसे व्यक्तियों को कुछ विशेष संकेत भी देते हैं जिनसे वो व्यक्ति समझ सकता है कि अलौकिक शक्तियाँ हर कदम पर उसके साथ हैं और जब भी उसके सपने में भगवान आते हैं तो आपको ये एक काम जरूर कर लेना चाहिए जिसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे सपना अगर आपको आता है तो क्या वो गलती है जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति आराधना में और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उनकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में ऐसे व्यक्ति के आसपास ही ऐश्वर्य शक्तियों का पवित्र घेरा होता है जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। चौथी बात, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना सत्कार्य और पुण्य के काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों को यथा संभव सहायता करता है, आपदा और विपदा के समय मनुष्य तथा पशु पक्षियों की हर तरह से सहायता करता है, बूढ़े असहाय और अपंग लोगों की समर्पित भाव से सेवा करता है, अपना कर्तव्य समझता है, धार्मिक कार्य करता है, ऐसा व्यक्ति वास्तव में समाज के लिए उदाहरण सिद्ध होता है। लेकिन आपको ये बता दें कि हर कोई व्यक्ति ऐसा काम नहीं करता है। जिस व्यक्ति के ऊपर भगवान की विशेष कृपा होती है उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गुण उत्पन्न होते हैं, ऐसा व्यक्ति अंत में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। पांचवी बात, ऐश्वर्य कृपा प्राप्त व्यक्तियों में एक अनोखी शक्ति होती है और वो शक्ति पूर्वाभास की है। पूर्वाभास यानी कि भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का पहले ही आभास हो जाना। अगर आपको भी भगवान ने ये शक्ति दी है कि भविष्य में होने वाली कोई दुर्घटना या कोई अच्छी घटना के बारे में आपको पहले ही अंदाजा हो जाता है,
तो आपके ऊपर भगवान की विशेष कृपा है। छठी बात, कुछ लोगों को हमेशा ही अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसे पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में उनके महसूस करते हैं वो लोग, तो ये उनके आसपास ईश्वर की उत्पत्ति का संकेत है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। सातवीं बात, ईश्वर का समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सुबह 3:30 बजे से लेकर 5:30 बजे या 6 बजे तक का समय होता है। हमारे शास्त्रों में इस समय को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त को देवताओं का समय माना गया है क्योंकि इस समय वातावरण में एक अनोखी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि किसी व्यक्ति की नींद प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अपने आप ही खुल जाती है और वो व्यक्ति अत्यंत प्रसन्न चित्त से अपने नित्य कामों से निवृत्त होकर ईश्वर की आराधना करता है और उगते हुए सूर्य को अर्घ देता है, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्ति प्रवृत्त करती है, यानी एक ऐसे व्यक्ति पर भगवान की कृपा बनी हुई होती है। आठवीं बात, कई बार हम मंदिर या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितने भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक ही जाता है और हम कभी कभी अपने घर के विषय में, कभी अपने समाज के विषय में, कभी अपने व्यवसाय के विषय में वहाँ बैठकर सोचने लगते हैं और कुछ नहीं तो आसपास के लोगों को देखकर उन्हें नोटिस करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी बात का होश ही नहीं रह जाता। उन्हें बस अपने आसपास मौजूद पवित्रता का एहसास होता है और बहुत ही शुभ ध्वनि सुनाई देती है, तो ऐसे व्यक्ति का साथ निश्चित ही अलौकिक शक्तियाँ दे रही हैं और ऐसा व्यक्ति आगे चलकर बहुत नाम कमाता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति ना तो कभी दुखी रह सकता है और ना ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वो कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वो हमेशा समाज में मान और सम्मान प्राप्त करता है। अब बात करते हैं, अगर आपके सपने में ईश्वर दिखाई दे तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, आपको सपने में जब भी भगवान के दर्शन हो, फिर चाहे वो महादेव हो या भगवान कृष्ण हो, हनुमान जी हो या फिर विष्णु जी या स्वयं माँ लक्ष्मी, सबसे पहले तो आप इस बात को जान ले कि आपको ये सपना किसी बाहरी व्यक्ति को नहीं सुनाना है। और इसका कारण ये है कि जब आपके सपने में भगवान दर्शन देते हैं तो मतलब वो आपसे खुश हैं और आपका अच्छा समय अब आने वाला है। लेकिन जब आप किसी बाहरी व्यक्ति को बता देते हैं अपने सपने के बारे में, तो आपके आने वाले अच्छे समय को नजर लग जाती है। फिर चाहे आपका कोई शुभ चिंतक ही क्यों ना हो, आपको किसी बाहरी व्यक्ति को इस बारे में नहीं बताना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको दर्शन हुए हैं भगवान के और आप उनके किसी धर्म स्थल या मंदिर पर जाने की इच्छा लिए हुए हैं, काफी टाइम से आप वहां जाने की सोच रहे हैं, तो उन्हीं भगवान के आपके सपने में आना ये संकेत है कि भगवान आपको दर्शन के लिए बुला रहे हैं। ऐसे में जितना जल्दी संभव हो सके आपको भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए, वहाँ आपको दर्शन करके ही आना चाहिए। मान लीजिए कि आपको काफी लंबे समय से माँ वैष्णो देवी के मंदिर जाने की इच्छा है और ऐसे में आपको सपने में माता रानी के साक्षात दर्शन हो जाएं, तो समझ जाइए कि माता रानी आपको दर्शन के लिए बुला रही है। ऐसे में जितना जल्दी संभव हो आपको दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए और वहाँ जाकर आप जो भी मनोकामना मांगते हैं वो अवश्य जल्द ही पूर्ण हो जाएगी। तीसरी बात, सपने में ईश्वर का दिखना शुभ है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इन्हें किस मुद्रा में देखा है। यदि आप सपने में भगवान को उग्र और क्रोधित मुद्रा में देखते हैं, तो ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। इसका अर्थ माना जाता है कि आपको कोई भी गलत कार्य नहीं करने चाहिए और अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं तो स्वयं उसे सुधार लीजिए, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। चौथी बात, यदि आप सपने में भगवान को अपने घर में देखते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके और आपके परिवार के सदस्यों पर
अब भगवान का आशीर्वाद बन गया है। वहीं यदि आप सपने में अपने कार्यस्थल या स्कूल जैसे स्थान पर भगवान को देखते हैं, तो इसका अर्थ माना जाता है कि आपको अपने कार्य और शिक्षा के क्षेत्र में परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये थे वो 9 संकेत जिनसे हमें ये पता चलता है कि किस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है। अगर आपको भी ऐसे संकेत मिलते हैं तो कमेंट्स में अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक कर दें। वीडियो में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को आगे भी ऐसे आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।